नमस्कार, मैं हूँ कांता। राजस्थानी रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसाला राजमा। राजमा चावल पंजाबी खाने की शान है। इसकी रिक्वायरमेंट भेजी है टीपू जी ने, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए राजस्थानी रसोई चैनल को और बेल आइकन को दबाइए न्यू रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। राजमा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 250 ग्राम राजमा लिए हैं, एक बारीक कटा हुआ प्याज, 3 टमाटर, एक मिर्ची, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, 6-7 कली लहसुन की, इनकी हम प्यूरी बना लेंगे। 2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 3 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच पान मेथी, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और हरा धनिया। सबसे पहले हम राजमा को रात भर के लिए भिगोएंगे। तो देखिए, ये हमारे राजमा, हमने इनको रात भर के लिए भिगोया है, इनका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है और ये देखिए फूल के इतने बड़े हो गए हैं। अब इनको हम कुकर में उबाल लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे कुकर लिया है, इसमें हम राजमा डाल देंगे। 2 कप इसमें हम पानी डालेंगे, 1 छोटा चम्मच नमक और दालचीनी का टुकड़ा। कुकर पे ढक्कन लगाएंगे। राजमा को पकने के लिए कुकर को हम दूसरे बर्नर पर रख देंगे। जब तक राजमा पकते हैं, तब तक हम राजमा के लिए मसाला बनाकर तैयार करेंगे। राजमा का मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन लिया है, इसमें हम 4 चम्मच के करीब तेल डाल के तेल को अच्छा गर्म कर लेंगे। गरम तेल में हम जीरा डालेंगे। तो देखिए, जीरा चटकने लगा है, इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम प्याज डालकर प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। देखिए, प्याज हमारे हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम वो प्यूरी डाल देंगे जो हमने टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन की बनाई थी, और तो इसे हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, कसूरी पान मेथी और 1 चम्मच नमक। 1 चम्मच नमक हमने पहले डाल दिया था राजमा में। सभी मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। सभी मसाले हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिए हैं। अब हम पैन पे ढक्कन लगा के ग्रेवी में उबाल आने देंगे। 8 सीटी कुकर में आ चुकी है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हम कुकर को ठंडा होने देंगे। मसालों को पकते हुए 3 मिनट हो चुकी है, एक बार चेक करते हैं। तो देखिए, मसाले हमारे अच्छी तरह से पकते हुए तैयार है। उधर हमारा कुकर भी ठंडा हो चुका है। राजमा को तोड़ के देखते हैं। ये देखिए, आराम से राजमा टूट रहा है, यानी हमारे राजमा उबल कर तैयार है। इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, इस पानी के सहित ही हमें राजमा इस कढ़ाई में डाल देने हैं और इसे मिक्स कर देंगे। देखिए, हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम ढक्कन लगाएंगे ताकि सारे जो मसाले हैं वो राजमा से अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। बीच बीच में चलाते रहेंगे, इसको चेक करते रहेंगे। वापस ढक्कन लगा देंगे। तो देखिए, मसाले को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक करेंगे। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। और राजमा को और टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे दूध की फ्रेश मलाई। इसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए, कितना परफेक्ट कलर आया है, तेल भी मसाले से अलग हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला और हरा धनिया, इसको हम मिक्स कर देंगे। तो देखिए, एकदम परफेक्ट राजमा हमारी बन करके तैयार है। गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और राजमा को हम सर्व करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारी चटपटी राजमा सर्व करने के लिए तैयार है। इसको आप चावल के साथ सर्व कीजिए। इस तरह ये रेसिपी आप भी बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए, आप खाइए और अपने अनुभव हमसे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ।